वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका दिन भी अच्छा गुजर रहे होंगे। इस दुआओं के साथ आज मैं शुरू करने लगी हूँ मटन चटखारा बोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब मैंने ये कुकर लिया है और इसके अंदर मैंने अपना जो है मटन वो डाल दिया है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून जो है सॉल्ट वो ऐड करूँगी। सबसे पहले 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और गाइस ये मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है और इसको मैंने इतने सी शेप में काट दिया है। ठीक है गाइस, इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पर। ठीक है, और अब मैंने इसकी जो फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम रखी है। अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है, अब मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 लीटर जग जो है वो पानी का डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। मैंने पानी डाल के अब मैं जो है ये प्रेशर कुकर बंद करने लगी हूँ और कम से कम आई थिंक सो हाफ एन आवर के लिए जो है वो आप इस प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। देखिए मैंने प्रेशर कुकर जो है वो बंद कर दिया है, तो इसको मैं आधे घंटे के लिए प्रेशर पे रख रही हूँ। देखिए जो मेरा गोश्त है वो टेंडर हो चुका है। ये इसने मैक्सिमम जो है वो हाफ एन आवर लिया है, यानी कि आधा घंटा इसने लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए बॉटी कितने आराम से टूट रही है। तो चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बताती हूँ, कि अगला प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो चटकारा मटन बोटी के लिए जो मसाले मैरिनेशन के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले मेरे पास ये हल्दी है, ये आपने यूज़ करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जीरा आप चाहें तो 1 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं और 1/2 टेबलस्पून भी। मैंने यहाँ पर जो है वो 1/2 टेबलस्पून लिया है क्योंकि मेरे पास जो है वो जीरा पाउडर नहीं था, इसलिए मैं जीरा डाल रही हूँ। गाइस आप चाहें तो इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करें। गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून पिसा हुआ एंड 1 टेबलस्पून मेरे पास ये दरदर सुर्ख मिर्च है। 1 टीस्पून चाट मसाला एंड 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ओके गाइस, ये 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये जो है ये मटन को जो है क्रिस्पी करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है गाइस, ये मेरे पास नींबू का रस है जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है और ये आपने कम से कम लेना है 2-3 टेबलस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस। गाइस अब मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर डालने लगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारी क्वांटिटी कितनी कितनी है। और आप सारे मसाले डालूंगी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, चाट मसाला और काली मिर्च। ठीक है, और इसके बाद अब मैं ऐड करने लगी हूँ अपना ये नींबू का रस जो कि 2-3 टेबलस्पून है गाइस। और आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई एम श्योर आप ये ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा जब भी आपके कोई गेस्ट आए हो। झटपट बनने वाली रेसिपी है गाइस और कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने सबसे पहले जो है अगर आप लोगों ने ऐसी सारा जो काम है वो गोश्त के जो है टेंडर होने का है, अगर एक दफ़ा ये गोश्त टेंडर हो जाता है तो आप फटाफट इसके अंदर मसाले जो है आराम से ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो है ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं ये सारे मसाले और नींबू का रस और लहसुन अदरक मैंने सब डाल दिया है। इसके अंदर मैंने अभी तक कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया था, अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी ताकि जो हमारा जो ये गोश्त है वो क्रिस्पी हो जाए। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। देखिए गाइस, अब ये जो मेरा गोश्त है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है मसाले के साथ और अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये मैंने लिया है एक पैन और इसके अंदर मैंने जो है वो ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, यानी कि मिकदार के हिसाब से कि जिस तरह जिसमें जो है आपका गोश्त वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने जो लिया है मैंने तकरीबन लिया है 7-8 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, ताकि जो मेरा गोश्त है वो अच्छे तरीके से ऑयल के साथ फ्राई हो सके। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ, जब ये गर्म हो जाएगा ऑयल तो फिर मैं इसके अंदर जो अपना गोश्त जो मैंने मैरिनेट किया है वो मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो मैरिनेट करके इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो चाहें जैसे जिस वक्त आपने बनाया उस टाइम इसको फ्राई कर लें। ठीक है गाइस, आप देखिए मेरा जो ये ऑयल है वो गर्म हो चुका है और अब मैंने इसके अंदर अपना मज़ेदार चटकारेदार मटन बोटी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये बोटी भी कह रही है, सब कह रही है हमें भी डालो, हमें भी डालो और हम सबको ऐड करें। ये देखें अब जो है मैं इसकी जो साइड है वो पलट रही हूँ और आप देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल ब्राउनिश टाइप, सो यमी।
और इसकी जो खुशबू है वो इतनी खूबसूरत आ रही है, ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू गाइस, इट्स लुक सो यमी, वाओ। आप चाहें तो इसको अच्छे से केचप के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं अगर गेस्ट आए हों, और चाहें तो अच्छी अच्छी चपातियाँ बनाएं, और चाहें तो साथ इसमें दाल का एडिशन कर लें, और दाल रोटी और साथ ये चटकारेदार मटन बोटी को भी खा सकते हैं। डिश आउट कर चुकी हूँ हमारा मज़ेदार चटकारा मटन बोटी, और गाइस इसके साथ मैंने जो है ये मज़े की पुदीने की चटनी बनाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँ, तो प्लीज़ गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें कि आप चाहते हैं कि मैं इसको शेयर करूँ। और इसके साथ मैंने बनाई है मज़े की दाल, और ये दाल मूंगी मसूर की, यानी कि आज हमने दाल गोश्त भी बनाया है। तो गाइस इसको आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, और मज़े करें और मज़े करवाएं, खुश रहें, दुआओं में याद रखें गाइस, और अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात को दूर फरमाएं और हमेशा हम सबको हर एक मुसीबत से दूर रखें। गाइस प्लीज़ ये डिश ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट एंड लव इट। सो गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। ओके गाइस इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।